हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों हम आज एक विषय में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अब मेरे हाथ में 1 2 3 4 5 और 6 6 बांसुरियां है अभी मेरे हाथ में। तो आप सभी जानते हैं बांसुरी का साइज अलग अलग होता है, स्केल और पिच के हिसाब से बांसुरी का साइज अलग होता है। कुछ बांसुरिया छोटा होता है, कुछ बांसुरिया बड़ा होता है। तो ये सब स्केल और पिच के विषय है। लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक बात सबके सब कॉमन है, जो कि सभी फ्रूट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का धागा जो लोग फ्रूट बनाते हैं वो बांध दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, धागा सब फ्रूट में है। डिफरेंट कलर्स होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है, लेकिन धागा सभी फ्रूट में बांधा हुआ है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे, क्यों फ्रूट में जो लोग फ्रूट बांसुरी बनाते हैं वो क्यों धागा बांधते हैं, फ्रूट का धागे के साथ क्या लेना देना है बांसुरी का। अगर धागा बांधे तो बांसुरी का टोन चेंज होता है, ट्यून चेंज होता है और नहीं, ये सब विषय में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं भारत एक बड़ा देश है। यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग मौसम होता है और बांसुरी एकदम एक नेचुरल प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र होता है, जिसमें वेदर और मौसम का प्रभाव एकदम साफ साफ पड़ता है। जैसे कि जब मौसम सूखा होता है, ड्राई मौसम होता है, तब बांसुरी थोड़ा सूख जाता है, बांसुरी का जो बांस होता है वो सूख जाता है। बारिश का मौसम में बांसुरी का बांस थोड़ा भीगा भीगा हो जाता है। तो ये सब चीज मौसम डायरेक्टली बांसुरी का टोन और ट्यून में प्रभाव पड़ता है ये मौसम के बारे में। इसलिए फ्रूट मेकर्स जो होते हैं, जैसे कि सर्दी का मौसम में तब बांसुरी तब हवा में मॉइस्चर कम रहते हैं, हवा में पानी कम रहते हैं, तब वेदर और मौसम सूखा सूखा रहता है, उस टाइम पे ये जो बांसुरी का जो स्किन होता है, बांसुरी का जो बैम्बू होता है, बांस होता है, वो थोड़ा सूख जाते हैं और ठंड हो जाते हैं। और हम जब अंदर में हवा डालते हैं तब वो हवा गर्मी होता है, तो वो गर्मी हवा ठंड बांसुरी में जब जाता है तब वो बांसुरी में क्रैक आ जाता है, बांसुरी टूट जाता है। ज्यादातर इस एरिया से इस एरिया, ये जो फर्स्ट होल और ये जो जवारी जवारी यार पहला जो छिद्र है, इसके अंतर जो जगह है, इस जगह में ज्यादातर बांस फट जाता है, टूट जाता है। क्या होता है कि जितना भी अच्छा फ्रूट मेकर हो, बैम्बू का क्वालिटी कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो बैम्बू टूट सकता है, ये एक कारण है। दूसरा कारण, हम जब बांसुरी यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, कभी कभी ये हाथ से नीचे गिर भी जा सकता है। जब ये गिर जा सकता है तब ये टूट सकता है। इसलिए जो लोग बांसुरी बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो अच्छे से, ये जो धागा है अच्छे क्वालिटी नाइलॉन धागा है, इस नाइलॉन धागे से इसको अच्छे से बांधते हैं। जिस जिस एरिया में ये बांसुरी टूट सकते हैं और क्रैक हो सकते हैं, उस सब जगह में जो लोग बांसुरी बनाते हैं वो अच्छे से इसको बांध देते हैं, जैसे ये बांसुरी बहुत दिन टिके। नहीं तो खराब मौसम में बांसुरी टूट सकता है और
हाथ से गिर जाए तो भी ये टूट सकता है। और बांसुरी ऐसे वाद्य यंत्र है, अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे क्रैक आ जाए तो हवा का गड़बड़ हो जाएगी, बांसुरी सही से नहीं बजेगी, इसलिए ये धागा बांधते हैं। अब प्रश्न है कि क्यों ये जो फ्लूट्स का जो धागा और डिफरेंट स्टाइल का क्यों होता है, डिफरेंट स्टाइल का क्यों होता है, ये एक स्टाइल, ये एक अलग स्टाइल, ये एक अलग स्टाइल, ये डिफरेंट स्टाइल और अलग अलग स्टाइल का कारण क्यों है, ये और कुछ नहीं है, ये बांसुरी को अच्छा दिखाने के लिए फ्लूट मेकर्स उन लोगों का अलग अलग पैटर्न का, अलग अलग स्टाइल का धागा बांधते हैं, जैसे कि बांसुरी अच्छा दिखे, दिखने में अच्छा हो और कोई पहचान सके कि ये स्टाइल वही फ्लूट मेकर इस स्टाइल में धागा बांधते हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में धागा मिलते हैं। लेकिन इसका पर्पस, इसका कारण और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बांसुरी को अच्छा दिखाने के लिए, जो अच्छा दिखने लगे इसलिए ये बांसुरी को अलग अलग तरीके से धागा बांधते हैं। धागा बांधने का कारण ये है कि बांसुरी टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए, और डिफरेंट स्टाइल का कारण यह है कि ये फ्रूट मेकर्स का ब्रांडिंग ट्रेडमार्क होता है कि पैटर्न, पूनम फ्रूट का ऐसा पैटर्न है, दिगंबर फ्रूट का ऐसा पैटर्न है, हर्षवर्धन फ्रूट का ऐसा पैटर्न है, ये सब पैटर्न मतलब जिसमें हम लोग जो फ्रूट बजाते हैं हम पहचान सके कि ये इस फ्रूट मेकर का फ्रूट है। ये ब्रांडिंग के लिए ये लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का धागा बांधते हैं। ये धागा बहुत अच्छे क्वालिटी का नायलॉन धागा होता है जो बांसुरी को बहुत दिन तक प्रोटेक्शन दे सके, इसलिए फ्रूट मेकर्स ये धागा बांधते हैं। आशा करता हूँ आप सब समझ गए क्यों फ्रूट में, बांसुरी में धागा होता है, धागा रहता है, आप सब समझ गए हैं। तो हम अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे अलग कुछ वीडियो में।